नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं देव ठाकुर। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ में लगी है। आपको हम बता रहे हैं कि 250 ग्राम चिट्टा जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने पकड़ा है और उसकी इंटरनेशनल मार्केट जो है वो कम से कम 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि ये वो चिट्टा है जिसको यहाँ पर गंग्याल पुलिस की ओर से पकड़ा गया है और काफ़ी एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ में लगी है। और आपको हम बता दें कि ये श्रीनगर से जम्मू लाया जा रहा था और जम्मू कश्मीर पुलिस की चौकसी के कारण जो है वो इसको पकड़ा गया। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ पर डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस रफीक मन्हा साहब हैं, तो इनसे बात करेंगे और इनसे हम जानेंगे कि कब इनको ये पता चला और जब इनको पता चला तो इन्होंने कितनी देर बाद एक्शन लिया। रफीक साहब, सबसे पहले तो बहुत बड़ी मुबारक की बात है जम्मू कश्मीर पुलिस को कि 250 ग्राम का चिट्टा जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने पकड़ा है, क्या कहेंगे? थैंक यू देव जी। इसमें ऐसा है कि हमारी जो एसएसपी जम्मू और सीनियर फॉर्मेशन जो भी सीनियर ऑफिसर हैं, पहले भी बोल चुका हूँ मैं कि उनकी तरफ से इसमें जो पर्टिकुलर डायरेक्शंस हैं कि हर एक किस्म के क्राइम पे काम किया जाए, मगर ये जो ड्रग्स है जो हमारे सोसाइटीज हमारे बच्चों को जो जो एडिक्शन कर रहे हैं इस पे जो है काम सख्ती से किया जाए, और जम्मू कश्मीर पुलिस इसमें जी दौड़ के काम कर रही है। तो इसी सिलसिले को लेके चलते हुए हमें एसएचओ गंग्याल, मिस्टर नायतली एंड आईसीपीपी ग्रेटर कैलाश विक्की थापा, रूटीन एक नाका जो है इसमें लगा रहता है हमारा, तो कुजवा ने भी नाका लगाया था। तो उसमें एक टाटा सुमो जो है JK05V3363 वो नरवाल की तरफ से आ रही थी, जिसको रोका गया। रोकने के बाद कोशिश की भागने की, मगर हमारा नाका अलर्ट था और उसमें लोगों ने लड़कों ने कैच किया और उसको सर्च किया। तो सर्च करने पे एक ड्राइवर था जिसका नाम जावेद है, उसे सर्च किया था, 150 ग्राम जो है हेरोइन उसके कब्जे से निकली है, और दूसरा उसके साथ बैठा हुआ मुदस्सर था और 100 ग्राम उससे निकली है। टोटल 250 ग्राम हेरोइन है, कोई इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू इसकी 1 करोड़ के करीब है। और ये दोनों जो बारामूला रफियाबाद के रहने वाले हैं, तो और गाड़ी भी जो सीज की है उसी सिलसिला में गंग्याल पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉज की है और दोनों को अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने के बाद कंसाइनमेंट भी सीज किया है, व्हीकल भी सीज किया, और इसमें हम फर्दर जो है इन्वेस्टिगेशन इस पे कर रहे हैं कि ये श्रीनगर कहाँ से आई, कहाँ से लाई, और यहाँ जो इन्होंने सप्लाई करनी किन किन को करनी थी, तो इस पे जो अगले फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है और वो उस पे कार्रवाई कर रहे हैं हम। सर, मार्केट वैल्यू 1 करोड़ और लोग जो है जिस प्रकार से पहले हमने बात करी थी तो लोगों का ये कहना था कि वो तो कहना तो चाहते हैं लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी अपना जो आइडेंटिटी है उसको सामने नहीं लाते, लेकिन ये अब देखा जा रहा है कि लोग जो है वो खुलकर सामने आ रहे हैं और पुलिस की मदद कर रहे हैं। हाँ जी, सच है। और ये हमारे, मैंने पहले भी कहा कि हमारे जो जितने भी चौकी अफसर हैं, एसएचओ साहब हैं, वेल एजुकेटेड हैं, और लोगों को जो मैं बताना चाहता हूँ कि वो इस ड्रग्स के मैटर में खुल के सामने आएँ और वो उनकी सीक्रेसी रखी जाएगी, सीक्रेट रखा जाएगा, कोई उनको सीक्रेसी जो लूज नहीं की जाएगी। और उसमें तभी जब पब्लिक हमारे साथ है, हम पब्लिक के साथ हैं, तो हर एक बुराई जो है उसका खात्मा हो सकता है। और जो जो यूथ है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेसिफिक सेक्शन के तहत काफ़ी सारे प्रोग्राम इनके लिए कर रहे हैं, ताकि जो यंग यूथ हमारे हैं, नौजवान लड़के हैं, फुटबॉल टूर्नामेंट, कबड्डी मैच, वॉलीबॉल मैच, इसमें इस किस्म के हम इवेंट्स जो हैं करवा रहे हैं, उससे ये है कि जो यूथ है उसमें एक तो बिजी रहेगा और उसमें फिर रिवार्ड वगैरह भी रखे गए हैं, सर्टिफिकेट वगैरह भी रखे गए हैं, जहाँ कि इनका मोराल बूस्ट हो और ये जो बुरी आदतें हैं इनसे वो दूर रह के इसमें आ जाएं। जब ये सर्टिफिकेट वगैरह रिवार्ड वगैरह मिलते हैं बच्चों को, तो दूसरे का भी मनोबल बढ़ता है कि मैं भी काम करूं, इस वक्त मुझे भी ये सर्टिफिकेट या रिवार्ड मिलेगा। उस किस्म के कार्य हम जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है। और यंग यूथ में कि मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बुरी आदत है और स्लो पॉइजनिंग है, और इसमें माँ बाप, बहन भाई और सब सोसाइटी या रिश्तेदारों के नाम भी इसमें जब ऐसे आदत पड़ती है तो और पता चलता है तो वो भी नाम बदनाम होते हैं। तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने फिजिकली फिट रहें, अगर सेहत है तो हर एक चीज़ है, सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। फिजिकल फिट होने के लिए वो
अपना सैर करें, मैच खेलें, फुटबॉल मैच खेलें, वॉलीबॉल मैच खेलें, कबड्डी खेलें, कोई भी चीज़ करें, मगर वो तभी होगी जब ये नशावर जो चीज़ें हैं इनसे दूर रहें, जहाँ जो सेहत के हानिकारक चीज़ें हैं उनसे दूर रहें, तो तभी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो वो इन चीज़ों से दूर रह के अपनी सेहत की तरफ तवज्जो दें, और सेहत जब होगी तो वो IAS भी करेंगे, IPS भी करेंगे, और भी कोई कम्पिटेटिव एग्जाम है उसको भी पास करेंगे, और अपना एक यूज़ जो है देश का, मैं कह चुका हूँ कि हमारे देश का सरमाया है, और ये इस चीज़ को समझना चाहिए, और ये जो काम है अपना सेहत का ख्याल रखें, और सेहत को ख्याल रखते हुए हर एक कंपटीशन जो पास करें, ताकि अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, उस मोहल्ले का नाम रोशन करें, उस तहसील का नाम रोशन करें, और JNK का नाम रोशन करें। तो मैं ये कहा जो कहना चाहूँगा यूथ को कि इस नशावर चीज़ इस चीज़ से दूर रहें, और अपने इस तरफ आए जिससे एक नाम रोशन हो और इज्जत मतलब मिले माँ बाप को और सोसाइटी को और अपने लोगों को। थैंक यू। शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रफीक मनहास। आपको हम बता दें कि 250 ग्राम का चिट्टा जो है वो पकड़ा गया है, और जिसका मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपया बताया जा रहा है। एक बार आप फिर से पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से 250 ग्राम का चिट्टा जो है वो पकड़ा गया है। और ये जो आरोपी हैं आप देख सकते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर आपको बिल्कुल सामने दिखाई दे रहे हैं। ये श्रीनगर से जम्मू की ओर जो है ये चिट्टा लाया जा रहा था। आपको हम बता दें कि गंगयाल पुलिस द्वारा एक रूटीन नाका लगाया गया था, जिस नाके में इन दो आरोपियों को पकड़ा गया और इनसे 250 ग्राम का चिट्टा जो है वो बरामद किया गया जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा। ये बहुत ही एक बड़ी कामयाबी है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि लगभग 1 करोड़ की वैल्यू है इसकी इंटरनेशनल मार्केट में, और कहीं ना कहीं जो है ड्रग्स जो है वो आम इंसान के लिए बहुत ही घातक साबित होता है। ड्रग्स जो है वो सिर्फ जान लेता है, जिस प्रकार अभी थोड़ी देर पहले डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रफीक मन्हास सर ने कहा कि नशे से दूर रहें, नशा सिर्फ बर्बादी का कारण बनता है। एक बार हम फिर से बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ लगी एक बहुत बड़ी कामयाबी, जिसमें उन्होंने 250 ग्राम का चिट्टा जो है वो पकड़ा है, जिसकी मार्केट वैल्यू कम से कम 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आप लोग ऐसे जुड़े रहे हमारे साथ, कैमरा पर्सन गुलशन के साथ देव ठाकुर, जम्मू परिवर्तन।